कांग्रेस नेता बोले, पूरी हुई प्रतिज्ञा, संघर्षों के बीच जीता चुनाव, जनता ने दिया भरपूर साथ, हम उनकी सेवा में सदा खड़े रहेंगे। उपचुनाव में कराहल कांग्रेस कार्यालय के प्रभारी बनाए गए मोहन राठौर ने कांग्रेस प्रत्याशी की जीत पर जनता का आभार व्यक्त किया और कहा कि हमारी कांग्रेस टीम जनता सेवा में सदा तत्पर रहेगी। श्री राठौर ने बताया कि अब से पहले जितने भी विधायक यहां से चुनकर गए हैं, किसी ने भी तहसील स्तर पर अपना कार्यालय नहीं खोला, मगर विधायक मुकेश मल्होत्रा का कार्यालय जनता की समस्याओं के समाधान के लिए सदा खुला रहेगा। कराहल से संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। भाई साहब, चुनाव जीत चुकी है कांग्रेस और आपका प्रत्याशी तो अब विधायक बन चुका है, किस तरह देखते हो? बड़ा ही आपने अच्छा ये कार्यकाल आपका निभाया है कार्यालय का। देखो, सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ कराल की जनता, बीजापुर की जनता के लिए बहुत बहुत आभारी हैं हम लोग। कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी सभी कार्यकर्ताओं की ओर से मैं कराल की जनता, बीजापुर विधानसभा की जनता को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हाँ। क्या रहा भाई साहब, आपने कार्यालय संभाला और देखने को आया कि जीत भी कराल से बम्पर हुई उनकी, कैसा मैनेजमेंट था? देखिए विक्की भैया, जैसे कि मैंने आपसे पहले ही बोला था कि हम 50,000 वोटों से जीतेंगे, लेकिन रामनिवास जी ने, सब लोग जानते हैं, पूरी कराल की जनता क्या बीजापुर की जनता, उन्होंने कितनी बड़ी गद्दारी की हमारे साथ, आदिवासी भाइयों पर गोलियाँ चलाईं, उनको मारा पीटा, फर्जी वोट डलवाए, लेकिन हमको पूर्ण विश्वास था, हम ईश्वरवादी आदमी हैं, ईश्वरवादी हैं, हमको विश्वास था कि हम जीतेंगे। बाबा साहब जयवर्धन सिंह ने मेरे पर विश्वास किया, मुझे कार्यालय प्रभारी बनवाया, तो मैंने सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक पूरा कारोबार संवारा और मेरे क्षेत्र से, कराल क्षेत्र से बम्पर जीत मिली मुकेश भाई को। और मेरे यहाँ धमकी भी आई, मुझे कितनी धमकियाँ आई ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। और हमारे विधायक जी, हम इतनी मेहनत करेंगे कि आगे हमको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विक्की भैया, आपने अभी तक देखा होगा, आज तक की तारीख में जितने भी विधायक बने हैं, आज तक किसी ने कार्यालय नहीं खोला, लेकिन हमारे मुकेश मल्होत्रा जी पहली बार ऐसे विधायक हैं जिन्होंने चुनाव जीतने के बाद घोषणा कर दी थी कि मेरा कार्यालय 24 घंटा के लिए अब आपकी जनता के लिए खुला रहेगा, तो ये बहुत खुशी की बात है। और कार्यालय भी ऐसी जगह खुला है कि जहाँ तहसील, हमारे किसान भाई सभी लोग बहुत परेशान होते हैं और 24 घंटा उनके सामने कार्यालय खुला है, ये बहुत खुशी की बात है। हमारा कार्यालय अब 24 घंटा खुलेगा, कोई भी अगर शिकायत लेके आता है यहाँ पर आप दर्ज कराएँ। मैं कराल की जनता को अवगत कराना चाहता हूँ, हमको आवेदन दें, अगर नाजायज अगर कोई किसी को सताता है, नाजायज किसी को कोई परेशान करता है, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे उसको। दूसरी बात, कोई भी काम हो, हमारा कार्यकर्ता, हमारे विधायक जी 24 घंटा हम तैयार हैं। किस तरह मैनेज कर पाए कराल, एक बड़ा इलाका था, आपने कराल की पूरी जिम्मेदारी ले रखी थी? देखो, हमारे प्रदेश के सभी लोग विधायक, पूर्व मंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री और हमारे विधायक, पूरे प्रदेश के सभी लोग लगे हुए थे, प्रभारी सब जगह काम कर रहे थे और मैं खुद यहाँ पे मैनेज कर रहा था, मेरे पास फ़ोन आ रहे थे तो मैं उनको सबको सूचित कर रहा था। मैंने आपको भी कई बार फ़ोन लगाया कि वहाँ पे फर्जी काम हो रहा है, आपने भी हमारा सहयोग किया, उसके लिए हम आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। फिर पुनः कराल की जनता, बीजापुर की जनता को हम आभारी रहेंगे और आपकी सेवा के लिए तत्पर तैयार रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस।